मेरठ के जैनपुर और जसड़ गांव में करीब 50 भट्टियां मिठाई बनाने का काम करती हैं, जिनमें सफेद रसगुल्ले ज्यादातर देखने को मिलते हैं। यहां से मिठाइयां मेरठ और आसपास के कई जिलों को सप्लाई की जाती है, लेकिन इन भट्टियों पर नाबालिग बच्चे भी काम कर रहे हैं और यहां पर गंदगी को देखकर लगता है कि मिठाई नहीं बल्कि सफेद जहर है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन को इसकी कोई खबर है या फिर नहीं। हमने ऐसी एक भट्टी के मालिक से बात की, तो जरा गौर से सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा है। विकास भाई, क्या बनाते हैं आप? व्हाइट रसगुल्ले। व्हाइट रसगुल्ले, जिसे छैना रसगुल्ला भी बोला जाता है। हाँ जी, वो जी। इसे कैसे कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट डलता है? इसमें कंटेंट डलता है, दूध आता है और आपकी चीनी डलती है और इसमें आपका अरोट का कट्टा लगता है, जो अरोट होता है उससे बनकर तैयार होता है। अच्छा, तो इसमें पनीर जैसा कुछ लगता है क्या? पनीर ही फटता है, जो दूध से आते उबल के फटता है ना, फिर खट्टे पानी लग के थोड़ा सा टाटरी लग के साटरी उससे फटता है। इमली का पानी लगता है, अरोट लगता है, दूध लगता है, इस तरीके की चीजें। हाँ जी, तो इसकी कहाँ कहाँ डिमांड है? डिमांड इसकी हर जगह ऑल इंडिया चल रहा है सर ये तो फिलहाल तो। अच्छा, फिर भी ऐसा क्यों है कि अधिकारी लोग ये कहते हैं कि ये सिंथेटिक है, शरीर के लिए गलत है, हानिकारक है, क्यों कहते हैं? मतलब वो क्या देखते हैं इसमें? सर वो तो मैं नहीं जानता क्या देखते हैं, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप कोई भी मेरे सामने एक रसगुल्ले खा ले, बैठ जाए आके, उसे दिक्कत हो जाए तो किस विधान में तो आप पे फूड वगैरह का लाइसेंस संबंधित इसमें? हाँ जी सर, सब लाइसेंस है मेरे पास। कुछ जगह मैं देख रहा था कुछ मक्खियाँ गंदगियाँ इधर उधर पड़ी हुई, तो ये कंट्रोलिंग क्यों नहीं करते हैं? सर कंट्रोलिंग कर रहे हैं, धो रहे हैं, आपको मुझे पानी लग रहा था कि बंदे हैं पानी मार रहे हैं। अब देखो मीठे मक्खी थोड़ी बहुत तो आती है मीठे मक्खी, अब फिर अगली बार जाल लगाएंगे, जाल लगा के सेपरेट हो जाएगा, फिर मक्खी आपको बिल्कुल नहीं दिखती। अच्छा, तो विकास जी आपकी फर्म किस नाम से है? ये आयुष के नाम से है। आयुष फूड्स के नाम से। कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है, गाँव कौन सा? जसड़ गाँव है जी। तो अधिकारी आते हैं इंस्पेक्शन के लिए? अब दीपावली के दौरान कौन अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आता है? जो डॉक्टर जो लाइसेंस बना, डॉक्टर साहब इधर के फोन इंस्पेक्टर है, वे मुआयना करके गए हैं। क्या नाम है, खुद नाम पता है? नहीं, मुझे भी पता नहीं। वैभव सर, स्वागत सर, वैभव बैठो। शनिवार सुबह एक कार्यक्रम से वापस दिल्ली लौट रही बीजेपी नेता और विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखने वाली साध्वी प्राची मेरठ के शॉपिंग मॉल पर रुकी और मीडिया से रूबरू हुई। बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से कमलेश तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है, उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। पुलिस को असली गुनहगारों को सामने लाना चाहिए। मेरा जो प्रश्न है वो प्रदेश के सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दे पर है, कमलेश तिवारी हत्याकांड। इसमें जो खुलासा किया गया है, जिन लोगों को पुलिस ने वर्कआउट करके रिलीज बताया है, क्या आप उस खुलासे से संतुष्ट हैं? उसमें क्या संभव है? देखिए, कमलेश तिवारी के हत्यारे हो या फिर मेरठ के वकील साहब के हत्यारे हो, इन हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और असली हत्यारे मिलने चाहिए। असली हत्यारे मिले और जहाँ जहाँ उन्होंने शरण ली है, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह हो रही, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। आखिर बरेली के अंदर शरण ली है, बिजनौर में ली है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जो बिजनौर का मौलवी पहले ये फतवे जारी चुपचाप करते थे मस्जिदों में बैठ करके, फिर अनाउंसमेंट करने लगे, अब ये फतवे मीडिया में कर रहे हैं। जिसने कहा था कमलेश तिवारी का सिर काट करके लाओ, 51 लाख रुपए दूंगा, उसको भी गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि उसने कहा कि मेरा पुलिस प्रशासन क्या बिगाड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहा है। मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर ये इस तरह के मजनू, ये इस तरह के लोग हिंदुस्तान में होंगे तो ये इस्लामिक आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। उसमें उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के आला कमांडर अधिकारी, उन्होंने कहा कि हत्याकांड से किसी भी कोई टेररिस्ट ग्रुप का, किसी आतंकवादी संगठन का कोई लेना देना नहीं। क्या आप इस बात से सहमत? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और जो उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी प्रेस कर रहे थे उस दिन, तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई विपक्ष का नेता आरोप लगा रहा। ये सीख गुजरात की एटीएस से लेनी चाहिए। जब उनको गिरफ्तारी की, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उस समय उन्होंने प्रेस की, लग रहा था कोई अधिकारी प्रेस कर रहा है। आप उससे ऐसे मत हैं, जो खुलासा हुआ? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसका कारण है कि वो जिहादी लोग, इस्लामिक आतंकवादी लोग उत्तर
प्रदेश के अंदर बहुत जगह छिपे हुए हैं, इसलिए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी। अन्यथा ये इस्लामिक स्टेट बनाने के चक्कर में इन्होंने शुरुआत कर दी है, सरकार को अपने संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। तो उनकी एक हत्या से लगभग 2-3 दिन पहले की वीडियो भी बहुत वायरल चल रही थी, उसमें दिखाया गया था कुछ भाजपा नेताओं के भी नाम लिए गए थे कि लोग मेरी हत्या करा सकते हैं, वो उससे क्या करना चाहिए? देखिए, उस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इतना जरूर है जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा जरूर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ कहना चाहेंगे, लव जिहाद एक मुख्य टॉपिक रहा है। अरे भाई, लव जिहाद की बात छोड़ करिए, ये फेसबुक चला रहे हैं आप, ये इस्लामिक आतंकवाद जो बढ़ रहा है, फेसबुक में हिंदू बच्चों के नाम लिख रहे हैं, आईडी ये अपनी ओरिजिनल आईडी नहीं दे रहे हैं। ये धनेश्वर की देवी लक्ष्मी और धनवंतरी के दिन बेटियों को बड़ी सौगात मिली है। सीएम के बटन दबाते ही महोबा जिले के प्रभारी मंत्री जी एस धर्मेश ने भी सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना से पहले चरण में 316 कन्याएं लाभान्वित होंगी। उन्नाव जनपद के थाना क्षेत्र के करारा गांव निवासी राघविंदर सिंह संडीला अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से और पुलिस को सूचना देने के बाद घायल को पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने और आज थाने में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया है। लड़के की भी मृत्यु हुई है, इसमें क्या प्रकरण है? ये राघवेंद्र प्रताप सिंह नाम का युवक है, पिता का नाम वीरपाल सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, जो कि करौरा मोहान क्षेत्र का रहने वाला था। इसका यहाँ पर औरास के नज़दीक पियर बंदी के पास एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल से। 108 एम्बुलेंस हमारी इसको लाई थी, मरीज बहुत गंभीर स्थिति में था, जो कि यहाँ पर प्राथमिक उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। इसमें पुलिस को सूचना दे दी गई है, एसओ साहब को बता दिया गया है कि उचित कार्रवाई जो इसमें हो वो उसको कर दिया जाए। रधरा सीओ पंकज कुमार ने क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों की एक सभा बुलाई, जिसमें सभी से अपील की गई कि दीपावली को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और प्रशासन का भी सहयोग बनाए रखें, क्योंकि समाज में शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस और गणमान्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी तरफ काफी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग पहुंचे थे और लोगों ने पुलिस को सहयोग देने का आश्वासन दिया है। सर, मीटिंग हुई है, मीटिंग का क्या पर्पज रहा है? ये पीस कमेटी की मीटिंग हर त्योहारों से पहले बुलाई जाती है। दिवाली त्यौहार से पहले भी इस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी सरदना थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए थे और सभी से हर क्षेत्र के बारे में, हर त्योहारों के बारे में, आने वाली चुनौतियों के बारे में, समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई और उस तरह उनको पुलिस स्तर पर जितनी भी सुरक्षा संबंधी दृष्टि से बात करें तो किस तरह के जो इंतजाम हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से दीपावली के अवसर पर किए गए? थाना पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं, जो बाज़ारों में और संवेदनशील स्थलों पर चेकिंग में रहेंगे, गश्त में रहेंगे, ताकि किसी भी समस्या को तुरंत निराकरण किया जा सके। दीपावली नज़दीक है और दीपावली को यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, और क्या क्या प्रशासन की तरफ से दीपावली को लेकर सुरक्षा के इंतजाम हैं, इसी को लेकर के यहाँ पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं SDM सरगना, इनसे बात करें क्या क्या इंतजाम यहाँ पर दीपावली के लिए प्रशासन की तरफ से हैं। जी SDM साहब, जो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किस तरह की जो व्यवस्था की गई है? सभी थाना क्षेत्रों में हमारे द्वारा पीस कमेटीज़ की बैठक कर ली गई है, मेरे और क्षेत्राधिकारी के साथ सभी थाना अध्यक्षों को सम्मिलित करते हुए उस पीस कमेटी की बैठक में सभी वर्गों के लोगों से बातचीत हो गई है। त्यौहार को बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा, सभी वर्ग इसमें हर्षोल्लास के साथ भाग लेंगे। एजेंट साहब, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कि सोशल मीडिया पर कुछ जो आपत्तिजनक पोस्ट हैं वो वायरल करते हैं ऐसे समय पर आकर, क्या उन चीज़ों पर किस तरह की निगरानी रखी जा रही है? देखिए, प्रत्येक थाना क्षेत्र में मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई है, प्रत्येक थाना क्षेत्र के मजिस्ट्रेट उपस्थित रहेगा, ऐसी समय गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखेगा जो समाज में किसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। जी, दीपावली को लेकर योगी सरकार का फरमान है कि जो मीट की दुकानें सड़क किनारे हैं उनको वहां से हटवाया जाए। शासन का जो निर्देश आया है उसका 100% पालन कराया जा रहा है, कोई भी उस नॉर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं करेगा तो उसकी दुकान नहीं चलने दी जाएगी। देखिए, ये थे हमारे साथ सरधना SDM, जो कि सुरक्षा व्यवस्था की पूरी पूरी गारंटी दे रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन के अलर्ट होते कुछ भी अप्रिय घटना नहीं घट पाएगी। CMN न्यूज़ के लिए सरधना से तस्लीम राणा।
एक तरफ सरकार तरह तरह के प्रयास कर रहे चाइनीज पटाखे बंद करने के प्रयास के साथ आमजन को भारत का सामान खरीदने की हिदायत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ धोरीमना मुख्यालय पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के कारण खुलेआम चौराहे पर चाइनीज पटाखे बिकते नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने परेशान होकर उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर पटाखों की दुकान को अन्य जगह लगाने की मांग की। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम स्वरूप सिंह आर्य है। जी, राम स्वरूप सिंह आर्य जी सर, तो आपका यहाँ क्या काम? मेरे यहाँ धोरीमना के मेन मार्केट में पतंजलि आयुर्वेद का काम है। जी सर, और बताइए, इसके अंदर आपके आसपास की कोई समस्या के बारे में क्या समस्या है आपके? धोरीमना बाज़ार के अंदर इल्लीगल बारूद बिक रहा है। पटाखों की दुकान बाज़ार के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो बाज़ार के अंदर पटाखों की दुकान चल रही है। मैंने SDM साहब को ज्ञापन भी दिया था, कभी बाज़ार के अंदर कभी आग लग गई तो कितनी दुकानों का नुकसान होगा। मूल रूप से मेरी दुकान इस परसाराम माली की दुकान के पास में ही है, और कभी खुदा ना खास्ता आग लग गई तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जान माल की हानि से बचा जा सके। हर बार घटना होने के बाद ही कहा जाता है कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, जबकि हम पहले कह रहे हैं कि भाई इस प्रशासन इस ओर ध्यान दे करके इन फटाकों की, बारूदों की दुकान को गांव के बाहर किया जाए। जी सर, जी सर, जी सर, अभी इसके बारे में तो फिर और भी कई समस्या है, लेकिन ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है, इसके लिए प्रशासन मौन पे है। और ठीक सर, धन्यवाद। SDM साहब को मैंने कहा था, इनसे पहले SDM साहब थे, उनका ग्राम सेवक को बोलो, ग्राम सेवक कह रहा कि मेरे अंडर में नहीं है, पुलिस को बोलो। मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस ने कहा कि कलेक्टर के पास जाओ। जी, अब एक सक्षम अधिकारी को ज्ञापन दे सकते हैं हम लोग, कलेक्टर तक जाएं इतना समय भी तो हमारे पास होना चाहिए। हम अपना पेट भरे हैं, अपनी सुरक्षा का देखे हैं, कलेक्टर के पास जाएँ, ये तो स्वयं प्रशासन को संज्ञान लेने की बात है। जी सर, ओके सर, धन्यवाद। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के जोहरा कल्याणपुर के RC लाल मेमोरियल कन्वेंट स्कूल में दिवाली समारोह की बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बच्चों ने दीप सजाए और घर में रखे व्यस्त सामग्री से भगवान गणेश का मनमोहक चित्र बनाया और सभी कक्षाओं की छात्राओं ने रंगोली भी बनाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने रामायण का मंचन किया और दिवाली पर्व की जानकारी दी। धनतेरस क्यों मनाते हैं हम लोग? धनतेरस इज अ फेस्टिवल ऑफ धन, एज वी ऑल नो धन इज कॉल्ड वेल्थ इन इंग्लिश, सो इट इज कंसीडर्ड इन हिंदू रिलीजन दैट वी शुड बाय सम ज्वेलरी और सम टाइप ऑफ यूटेंसिल इन विच गॉडेस लक्ष्मी वी कैन दैट शी कैन मर्सी ऑल ऑफ अस, दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट धनतेरस। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 5 रुपये मांग को लेकर कोटेदारों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोटेद्वार संघ के जिला अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार कवर्धा के बाद सरकार ने लोक मांगों को मान लिया है और इसके बाद अब उन्होंने धरना भी खत्म कर दिया है। मैं आनंद प्रकाश सिंह, जिला कोटेदार संघ, जिला अध्यक्ष बलिया जी। किस प्रकार की यहाँ चितबड़ा गाँव मंडी में क्या है? आज हम लोग 21 तारीख से उठान मंदी का कार्यक्रम था, जो 24/10/2019 तक चला। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग खाद्य आयुक्त से एवं खाद्य मंत्री से वार्ता होने के बाद उठान का कार्यक्रम चालू हुआ है। इस उपलक्ष्य में हम चितबड़ा गांव मंडी पर आकर कोटदार भाइयों को वजन करा कर माल दिलाने का कार्य करने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जी, हमें अक्सर हमको देखने को मिलता था बिना कांटा और कहीं सी से बुरी फेंक दी जाती थी, क्या कोटेदारों पर भी गाज गिरती थी, तो क्या इसमें अधिकारियों को मिली भगत की शामिल है क्या? पहले हम यहाँ आए तो अधिकारी ने बहुत तरह तरह की बातें, अपनी समस्याओं को बताया कि अभी हम बोरे वजन देने में असमर्थ है, लेकिन हमारे वार्ता करने के बाद, ऊपर से फ़ोन करने, सारे अधिकारियों से बात करने के बाद, यहाँ के जो विपणन निरीक्षक हैं वो बोरे का वजन देने के लिए तैयार हो गई हैं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि निकासी भी वजन कंटा करके मिल रहा है।
जी ये अगर आगे की तरह अगर आपकी मांगे आज पूरी हो गई पुनः ये कल से मनमानी तरीके तो क्या करेंगे आज के बाद और फिर इस तरह से कार्रवाई हो रही है तो मैं यहाँ के विपणन निरीक्षक को सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज के बाद इस तरह की अगर कोई किरदार हमको शिकायत लेकर आता है तो हमके बोरे का ओजल और कंटा करके नहीं मिलता है तो उनको यहाँ स्थापना कराने का निवेदन करेंगे जिला खाद्य अधिकारी से। जी इसके बावजूद भी नहीं होता क्या करेंगे आगे? उसके बाद नहीं होता तो हम लोग यहीं पर सारे जिले के पदाधिकारी और किरदार बंधु आकर यहीं पर धरना देंगे जब तक उनका हस्तांतरण नहीं हो जाएगा। मैं उदयवान पांडे जिला कोटेदार संघ महासचिव बलिया जी। यह किस प्रकार का है चितबड़ा गांव मंडी में क्या है मामला? यहाँ पर जो है कोटेदारों को बोरे का वजन नहीं मिल रहा था जैसा कि सुनने में चाहे यहाँ से कोटेदारों की सूचना मिलने पर हम लोग दोनों आदमी आए हैं जिला अध्यक्ष और मैं। आने के बाद यहाँ मार्केटिंग इंस्पेक्टर से बात हुई वो लगी आना अनकानी करने तब तक अधिकारियों से फोन द्वारा बात की गई जिस पर जो है आज हाट निरीक्षक जो है बोरे सहित वजन देने को तैयार हो गई हैं और निकासी भी चालू हो गई है। क्या यह मानते हैं बिना कांटे के ही बोरी दी जाती थी और तो उसमें बोरी के हिसाब से उसमें जो माल होना चाहिए वो कम होता था? यहाँ के कोटेदारों के कथनानुसार जो है बिना वजन के यहाँ माल एवरेज पर भेजा दिया जाता था जिस कारण माल जो है 50 kg के जगह 49 kg 48 kg हुआ करता था। आज वही हम लोग जो है कंटा करा कर देने का काम शुरू किया है। इसका मतलब अधिकारियों द्वारा कोटेदारों को शोषण की जाती है? अब यह तो कोटेदारों के कथनानुसार यही न लग रहा है। आप बीतने के दौरान जब आप आम पब्लिक को अगर बढ़िया से आप नहीं देंगे तो आम पब्लिक आपको आरोप लगेबे करेगी और यहाँ से जब कम मिलेगा आपको किसान गोदाम से कम मिलने के कारण ही कोटेदार हमारे जो है कम बेसी करते हैं जिसको मैनेज करते हैं कोटेदार अपने हम मैनेज करते हैं जिसके चलते नाना प्रकार का जो है बवाल उत्पन्न होता है वही काम जो है तौल करके दिया जा रहा है। अब हमारे कोटेदार सही ढंग से वितरण करेंगे जिससे झगड़ा और अशांति का माहौल नहीं। जी आप लोग जो 4 दिन से धरना चल रही थी तो किस आश्वासन पर आप लोग धरना खत्म किए हैं? यह जो है कल जो है खाद्य मंत्री जी का निर्देश था और पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिला जिला कार्यकारिणी की वहाँ बुलाहट हुई और हम लोग गए और वार्ता हुई माननीय खाद्य मंत्री जी से खाद्य राज्य मंत्री जी से। उन्होंने कहा कि जो है 18 नवंबर की आपको आप लोगों की बैठक होगी उसमें मैं और खाद्य आयुक्त महोदय आकर के अपना जो है कमीशन चाहे और जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करके घोषणा करूंगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दिवाली के शुभ अवसर पर राम प्रवेश इंटर कॉलेज में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से समाज की समकालीन मुद्दों को अपनी भावनाओं से जोड़ा है। दूसरी तरफ विद्यालय के जूनियर वर्ग ने दीप बनाकर अपना हुनर दिखाया। बताइए। मैं अजय कुमार सिंह राम प्रवेश इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य। जी आज किस प्रकार का प्रतियोगिता था आपके यहाँ? आज दीपावली के शुभ अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता कराई गई थी जिसमें जूनियर वर्ग और सीनियर वर्गों में विभाजित करके कराया गया था प्रतियोगिता जिसमें जूनियर वर्ग में प्रथम द्वितीय तृतीय को पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सीनियर वर्ग में भी प्रथम द्वितीय और सीनियर वर्ग को सम्मानित पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जी इस मौके पर क्या कहेंगे बच्चों से? ये कि बच्चों के अंदर प्रतियोगिता का भावना बढ़े और दीपक प्रज्वलित करके प्रकाश में पूरे देश में प्रकाशित करें अपने घर से लेकर पूरे देश की सेवा करें। हमने देखा अच्छे अच्छे कला के प्रतियोगिता ने दिखाया उस अवसर पर क्या कहेंगे बच्चों को? इतने आपने पहले सीखा सीखने में इतना समय लगा या अपने मन से ही उन्होंने किया? नहीं बच्चों ने हमारी अचानक एक हफ्ते के अंदर केवल घोषणा कराई गई थी कि हमारे स्कूल कॉलेज स्तर पर एक रंगोली प्रतियोगिता दीपावली के शुभ अवसर पर कराई जाए एक नोटिस निकाल दी गई और उतने पर ही हमारे बच्चे इतनी प्रतियोगिता सुंदरता का और कला का अपना प्रदर्शन किया। गाजियाबाद उपजिलाधिकारी प्रशांत तिवारी ने अवैध पटाखे बेचने वालों की दुकानों पर छापेमारी की। एसडीएम की छापेमारी के बाद पटाखे बेचने वालों में हड़कंप मच गया।
वहीं छापेमारी के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा पटाखे बरामद किए गए हैं। बहुत भारी मात्रा में पटाखे पकड़े गए हैं। कहां कहां से पड़े, कितने का माल था? आज सुबह से ही कार्रवाई की जा रही थी। लोनी में, फरुखनगर क्षेत्र में जगह जगह पे पटाखे पकड़े गए, जहाँ लोगों द्वारा बताया गया कई खेतों से पटाखे पकड़े गए, तहखानों से आज पटाखे निकाले गए, लोगों के घरों में से पटाखे निकाले गए। और इसमें आज हम लोगों ने डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई हुई थी, जिससे कि हमें काफ़ी मदद मिली और हमने लगभग 40 लाख के पटाखे जो हैं, 8 ट्रॉली की एक डंपर, ये पकड़ा करके।